हमीरपुर में बोटा में चोरों ने बड़ी सावधानी से पिछली दीवार में छेद करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बोटा से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप ठमाणी के पास कन्फेसरी की दुकान में चोरों ने सेंध लगाई है और लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर में बोटा में चोरों ने बड़ी शातिरता से पिछली दीवार में छेद करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बोटा से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप ठमाणी के पास कन्फेक्शनरी की दुकान में चोरों से सेंध लगाई है और लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। चोरों की सारी वारदात दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की छानबीन में जुट गई है। भोटा से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप ठमाणी के पास राजकुमार पुत्र लोकाराम की किराने कन्फेक्शनरी की दुकान में देर रात 3:30 बजे के लगभग चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। चोर बड़ी शातिरता से दुकान की पिछली दीवार को फांदकर एक छेद करके दुकान के अंदर घुसे और सारा सामान भी उसी रास्ते से चुरा कर बाहर ले गए। हालांकि चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं, लेकिन चोर ने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था और चोर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। चोर नकदी व खाने की सामग्री ले उड़ा। चोर करीब 60,000 के लगभग सामान चोरी करके ले गए हैं। वहीं दुकानदार जब सुबह अपनी दुकान को खोलने आया तो दुकानदार ने अंदर जाके देखा तो दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के सामान बिखरा हुआ था, नोटों के हार व नकदी गायब थी, खाने की सामग्री भी गायब थी। दुकानदार ने तुरंत इसकी सूचना भोटा पुलिस कक्ष को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। पेचकस भी हो सकता, दूजी नहीं सुबिया पैतलियां ना।